नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। लोकसभा चुनाव 2024 के 6 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। आज 7वें चरण के लिए 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना कस्बे में वोट के दिन जनता ने बताया कि महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर वोट दिया जा रहा है। वहीं कुछ लोग वर्तमान सरकार से काफी खुश नजर आए। देखिए हमारे संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की ये रिपोर्ट। नमस्ते, मैं प्रमोद विश्वकर्मा। इस वक्त मैं घोसी लोकसभा के मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा में हूँ। आपको बता दूं, मैं कंपोजिट विद्यालय मोहम्मदाबाद गोहना के चौक पे हूँ। दराजी दिखाई जाए चौक में। अब मेरे पीछे कुछ लोग हैं जो वोट करके आए बाहर। आइए जानते हैं कि किस मुद्दे पे उन्होंने वोट कराया। सर आइए, सर अपना परिचय बताएं। सर ओम प्रकाश जायसवाल। आपको बता दूं कि ये मोहम्मदाबाद गोहना के सबसे प्रसिद्ध व्यापारी हैं और काफी दूर दूर तक इनका नाम है। सर किस मुद्दे पे आपने वोट कराया? सर हमने तो विकास और सुरक्षा के मुद्दे पे वोट दिया है। अभी सर मैं एक जगह और गया था, ये बंदी गला ग्राम सभा पड़ती है, वहाँ पे लोगों ने कहा कि हमको बदलाव चाहिए, तो मुझे लगता है कि भाजपा सरकार से लोग खुश नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जी, लेकिन समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमेशा कुछ लोग संतुष्ट असंतुष्ट जरूर रहेंगे जी। लेकिन युवा जो लड़के थे उन्होंने कहा कि हमको रोजगार, महंगाई बहुत मार दी, रोजगार हम लोग को नहीं मिल रहा, हम लोग घूम रहे हैं सड़कों पर। हम लोग तो लड़के खोज रहे हैं, काम करने के लिए नहीं मिल रहा है। आपको बता दें, पता नहीं कौन लोग हैं जो कहते हैं हमको काम नहीं मिल रहा, यहाँ पे काम करने वाले लड़के नहीं मिल रहे हैं हम लोगों को। तो सर आपके भेज दिया जाए? बिल्कुल भेजिए। सर अपना भैया क्या परिचय? सर जयसवाल। सर किस मुद्दे पे आपने वोट कराया? हमने राम के नाम पे। सर विकास के नाम पे वोट दिया है, शिक्षा के नाम पे वोट दिया है, रोजगार के नाम पे वोट दिया है। सरकार से जो कार्यकाल रहा है उससे आप खुश है जी? इतनी सारी नीतियां जो है जी भाजपा सरकार के द्वारा दी गई है, उसका आप लोगों लाभ उठाइए। ठीक है, लाभार्थी जानना चाहेंगे? लाभार्थी इसके बहुत ज्यादा है जी, विरोध तो हर जगह होते हैं। सर ये जानना चाहेंगे, छड़ी इस बार कमल का फूल नहीं है, छड़ी है जी। क्या लगता है कि वोट बैंक चेंज हो जाएगा इस बार? ऐसा कुछ भी नहीं जी, तो पूरे मतलब जागरूकता अभियान चला है जी, पूरे कार्यकर्ता बढ़िया काम किए हैं, इसलिए सबको ये जानकारी हो गई है कि इस बार मतलब अगर जो कमल के फूल को वोट देना चाहता था वो छड़ी वोट देगा वो जी। निश्चित हो? बिल्कुल, मतलब इस बार सरकार किसकी देखते हैं? सर इस बार इंडिया गठबंधन भी काफी मजबूत दिख रही है। ये तो 4 तारीख को बता पाएंगे या 4 तारीख को सबको पता चलेगा, अभी तो सबका अपना अपना आंकड़ा है। सर मेरे साथ कुछ भाई भी और हैं। सर क्या नाम है आपका? रियाज अहमद। सर आप किस मुद्दे पे आपने वोट कराया? सर रोजगार पे। रोजगार पे? विकास में भी किए, रोजगार पे भी किए जी। मतलब भाजपा सरकार तो खुश है वर्तमान की, इस बार बदलना चाहते हैं? नहीं, बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं? बदलाव क्या बात? एक ही एक रहेगा तो डिक्टेटर चलाएगा, वो डिक्टेटर ही चलाएगा। भैया डिक्टेटर की बात कर रहे हैं, वो बात आपकी भी ठीक है, बट ये है कि एक को जांचा परखा है तो ये आदमी, ये होता है कि उसी को मतलब रिपीट किया जाए। देखिए अभी भी एक व्यक्ति कह रहे हैं बदलाव बहुत जरूरी है। मतलब मैंने कहा कि समाज में तरह तरह के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, सबकी अपनी मानसिकता। आपने किस मुद्दे वोट करा है? अगर आपने महंगाई बेरोजगारी की बात करी, हमने देखा है कंकड़ पत्थर का रोड देखा है हमने, उसके बाद सड़कें बेहतरीन देखा है। ऐसा नहीं कि 10 साल में विकास हुआ है, विकास होता ही गया जब से आजाद हुआ भाजपा सरकार। जब से एक गांव की जो सड़कें थी पूरी खराब थी, अब तो काफी हद तक बन चुकी है। नहीं, अब तो कोई दिक्कत नहीं, भी बनी है इसमें भी बनी है। ये कहाँ कह रहे हैं नहीं बनी? किस सरकार की आप बात कर रहे हैं भाई? पिछले सरकार में मतलब कांग्रेस में भी बनी है जी, सपा में भी बनी है जी। ये 6 लेंथ जो है जी, ये सपा की सरकार में ही ग्रहण हुआ है पूरा का पूरा जी। इन्होंने फीता काटा है जी, बाकी रोड इन्होंने भी बनवाया है, भाजपा ने भी बनवाया है, लेकिन सपा ने भी बनवाया है और सपा भी अच्छा काम की है। ये रोड देख रहे हैं ना, ये 50 साल का रोड है जी, ये कांग्रेस की सरकार में बना हुआ है भैया। ये डिक्टेटर की बात कर रहे थे, इससे थोड़ा सा मैं संतुष्ट नहीं हूँ। आधी जनता कहती है कि मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, भैया डिक्टेटर की बात कर रहा है। देखिए सब बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं, और बाकी ये है कि मतलब कोई भी जैसे हमारा 5 आदमी का है, हमारा 10 आदमी का परिवार हम संतुष्ट नहीं कर सकते हैं भैया। हिंदू समाज मुस्लिम की इन्होंने खाई खोद दिया है, जो भाईचारा हमारे में था वो बहुत हद तक खत्म कर दिया इन्होंने। मतलब अगर भाजपा सरकार ने हिंदू मुस्लिम के माध्यम से भाईचारा खत्म कराया, खत्म कर दिया, तो आप और जनता के बीच की बात भाई तो ठीक है, जो से है जी, लेकिन बाकी तो उन्होंने खत्म कर दिया भैया, अपन जानते नहीं छोड़ा हूँ भैया। थोड़ा सा आप लोग भी सहयोग करिए, क्या किस पे भैया? ये भी तो बहुत पुराना मुद्दा है, जैसे रोजगारी, बेरोजगारी और महंगाई एक जमाने से, जब से देश आजाद हुआ मुद्दा चला रहा है जी, वैसे ये भी मुद्दे हर समय समय ये कि इस समय कुछ ज्यादा ही चल रहा है। मेरे साथ कुछ युवा है भैया, कहाँ एक युवा यहाँ पे चले गए भैया, कहाँ आई? हाँ ये आप, ये आपने वोट करा क्या जी? वोट किस मुद्दे पे आपने करा? यहाँ पे जैसे अभी बता रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम
ये ऐसी चीजें हैं, तो हम लोग के यहाँ पे पहले से ही वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती है और सभी लोग इसको मानते भी हैं। जैसे कहते हैं अयम निज पुरोहित गणना लघु चेष्टा मुदार चेतनाम तो वसुधैव कुटुंबकम, मतलब कि हम लोग सभी लोग एक हैं, इसको बांध कर भी ये नीतियां चलती हैं और सभी लोग करते हैं, सब पालन करते हैं। और जो ये कहता है कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसे क्या मतलब मुझको, मैं बस एक पॉइंट कहना चाहता हूँ, कहाँ पे ऐसा हुआ कि उनको लगा कि ऐसी हुआ अलग हुआ, मतलब ये सब चीजें हैं तो आप मुझको कुछ पॉइंट बता दीजिए तो मैं उसके संशोधन करने के लिए भी देखा जाके हम लोग क्या हो रहा है। आपने किसको वोट कराया अगर ये देखिए बात तो नहीं है, सार्वजनिक नहीं कर सकते ये, ठीक है आप समझ सकते होंगे कुछ भी कर सकते हैं, तो सार्वजनिक करने वाली बात नहीं है। लेकिन आप सरकार की बात करें, किस सरकार से ज्यादा कुछ, सरकार से वर्तमान सरकार ठीक है, ठीक है भैया के भैया मैं पॉइंट पूछना चाहता भैया, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कुछ बताइए जिसे आदमी ये हो रहा है सुधार किया जाए। जी भैया, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, क्या भाजपा सरकार में ऐसा हुआ कि हिंदू मुस्लिम को अलग कर देंगे? बिल्कुल उसकी तो कोशिश की है, लेकिन एकता जो भारत की एकता जो है जी, वो अभी भी मजबूती से बनी हुई है, कोशिश तो की गई है जी, हर चुनाव में ही कोशिश की जाती है, लेकिन भारत की एकता मजबूत है और हम अलग नहीं होंगे जी। कोई भी राजनीतिक पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले हिंदू मुस्लिम करने की, लेकिन जनता जागरूक है, हिंदू मुस्लिम समझदार है, वो अलग नहीं होगा, वो अलग नहीं होगा जी। बिल्कुल भैया, क्या कहेंगे इसका, परिवर्तन चाहते हैं? हाँ जी, परिवर्तन चाहते हैं। पहली बार की दूसरी नहीं, दूसरी बार। किस मुद्दे पे आपने करा है? परिवर्तन, बेरोजगारी, और सरकार ने हर साल वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, नौकरियां उन्होंने दी नहीं। बुनकर की जो समस्याएं थी वो आज भी वही है, जैसे उन्होंने कहा था कि हम बिजली सस्ती करेंगे, अब बुनकरों का 400 रुपये फ्लैट रेट आज हो गया है 72 रुपये से, इसका जो बनता है 150 रुपया बनता है, 150 रुपया उन्होंने किया नहीं। और आज जो रहा सवाल हिंदू मुस्लिम का, आज देख लें प्रचार प्रसार में क्या हो रहा है, मैं महंगाई से छोड़कर सारे मुद्दे मुजरा हो रहा है, महंगाई नहीं हो रही, सब सिर्फ कुछ ही बातें रह गई है, मैं से हर चीज हो गया, बस महंगाई बोलना रह गया है, हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा, सब कोई देख ही रहा ना हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है या कौन नहीं कर रहा है, जो आज हमारे मित्र थे आज वो हमसे मिलना नहीं चाहते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे। भैया बोल रहे हैं कि मुजरा कर रही है वर्तमान सरकार, सही कह रहे हैं, मुजरा कर रही है, सही बात है, सही बात है पंडित जी। भैया बोल रहे हैं कि वर्तमान सरकार मुजरा कर रही है, कोई बात नहीं, वो तो आपके सारी चीजें सामने आ जाएंगी 4 तारीख को, 4 तारीख को, और शाम को ठीक 5 बजे घड़ी में देख के 6 बजे हो सकता है खुद ही आपके सामने सारी चीजें खुल के आ जाएंगी। आप किस मुद्दे पे आपने वोट कराया इस बार भी, हिंदुत्व के नाम पे या धर्म के नाम पर या महंगाई रोजगारी? कोई धर्म के नाम पे वोट नहीं होता है जी, सब जगह रोजगार है, किसी भी सरकार में रोजगार की किसी में कमी नहीं आई, चाहे किसी की भी सरकार हो, बस रोजगार ढूंढना चाहिए। आप घर पे बैठे रहे, पढ़े लिखेंगे नहीं तो कहाँ से रोजगार आपको मिलेगा? भैया क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, कुछ नहीं, आपने वोट करा है ना, किस मुद्दे को लेकर करा होगा? कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं, बस आपने मतलब कोई प्रत्याशी आपको पसंद नहीं आया, नोटा करा है, आ रहे मुद्दे वाले, देखे आ रहे मुद्दे वाले के मेरे साथ, अभी आप बता दो कि कुछ भाजपा के लोग भी आ रहे हैं, जितना मुद्दा है सारा मुद्दा भरा हुआ इनके पास, ले लीजिए बाबा, किस पे वोट आपने कराया? छुट्टी में आप तो देखते ही भाजपा ही लग रहे हैं इस बार, हम तो भैया हैं भाजपा ही जी, हम खुले भाजपा ही हैं, लोग कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए, बदलाव तो उनके एक मोरी ला के सपने होते हैं जी, वही देख रहे हैं लोग जी। अब तक चुनाव जब 3 चरण हुआ था, उन्होंने कहा कि 300 सीट जीत रहे हैं, आज कांग्रेस और सपा एग्जिट पोल का बहिष्कार करते हैं, जिसके तहत उनकी हार बहुत भयंकर होने वाली है 4 जून को, 422 सीट एनडीए और 365 भाजपा लिख के रख लीजिएगा, उससे एक भी कम आएगा तो हमसे आप मिल लीजिएगा। कितनी सीट उधर है? 422 एनडीए भैया सरकार 4 जून को पूर्व में सरकार आ रही है, और 9 जून को मोदी चाचा शपथ ग्रहण लेने वाले तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर, मोदी जी जी 9 जून को बिल्कुल रोजगार की बात मानिएगा, रोजगार तभी मिलेगा जब आप पढ़ेंगे, सीधी बात कह रहे कि हम लड़के ढूंढ रहे हैं, कर रहे हैं आप पत्रकारिता कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं कि नहीं है? बिल्कुल है सर, तभी तो पत्रकारिता कर रहे हैं, पढ़ेंगे तब नौकरी पाएंगे, नौकरी पाएंगे, घर पाएंगे मार्केट बनवा लीजिए, नौकरी के लिए चले जाइए मेरिट पे, हमारे एक नेता जी है सर जी, भैया बस 2 मिनट चल रहा जी, 2 मिनट, किस मुद्दे पे कर रहे हैं? यह विकास के नाम पर कर रहे हैं, राष्ट्र जहाँ पर लोग विकास के मुद्दे पर वोट डालने की बात कर रहे हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।